हेलो और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभूज वर्ल्ड पे। होप आप सब सेफ हैं एंड हेल्दी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ब्रेड की तो अलग तरह की बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 उबले हुए आलू। इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और उसमें मैं अब डाल रही हूँ नमक, साथ ही आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, 1/4 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च और सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं या अपने पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन, साथ ही उसमें जाएगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला, नमक, याद रहे नमक हमने मिक्सचर में भी डाला है, और आधा चम्मच हमने डाला है यहाँ पे ग्रेट करके अदरक, साथ ही हरी मिर्च और ढेर सारे धनिया के पत्ते। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार में आपको सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि कोई लम्स ना रहे। तो मैंने अभी यहाँ पर आधा कप पानी दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी हम चेक करेंगे। मैंने और थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद देखिए हमें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं और थिन भी नहीं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 व्हाइट ब्रेड, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। उसमें हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था उसे डाल के इसे कवर कर लें, और उसके बाद मैंने इसे ट्रायंगुलर शेप में बीच से कट कर दिया है इस तरह से। आप अपने पसंद के किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद हमारा जो ब्रेड है उसे बेसन में अच्छे से कोट करके इसे फ्राई होने रख दें। मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, मैं शैलो फ्राई ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए हमारा जो पकौड़ा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है एंड काफ़ी यमी लगता है। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी की तरफ। आज की लास्ट और दूसरी रेसिपी जो है वो है मेरी पर्सनल फेवरेट, यानी ब्रेड पिज्ज़ा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। सब्जियों में मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। और अब लेंगे हम एक तवा और उसमें हमारी जो ब्रेड है उन दोनों को हम टोस्ट कर लेंगे। हमें इसे सिर्फ एक साइड से टोस्ट करना है, और अब उसी तवे पे हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और हमने जो हमारी सब्जियां काट करके रखी है वो उस पर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे उसमें चुटकी भर नमक ताकि हमारी जो सब्जियां हैं हल्की सॉफ्ट हो जाएं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसे ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ इसे 4 से 5 सेकंड के लिए पकाना है ताकि हमारी जो सब्जियां हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और वो कच्ची ना लगे। अब हमने ब्रेड जो हमारा टोस्ट किया था जिस तरफ से उस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहे तो टोमेटो केचप भी ले सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो। उस पर मैं डाल रही हूँ चीज़, मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज़ डाला है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो बहुत ही अच्छी है, अगर आपके पास स्लाइस चीज़ है तो आप उसे भी ब्रेक करके डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो सब्जियाँ हमारी फ्राई की थी वो हम उस पर डाल देंगे। सब्जियाँ डालते हैं काफ़ी कलरफुल दिखने लगी है हमारी पिज़्ज़ा। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं जैसे कॉर्न या मशरूम। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही नमक। उसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें फिर से ऊपर से चीज़, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाला है अदरवाइज सिर्फ चीज़ का फ्लेवर आने लगेगा। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ उसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। उसके बाद उसी तवे पे मैंने डाला है थोड़ा सा बटर और दोनों ब्रेड को कवर करके रख दिया है पकने के लिए। तो थोड़ी देर बाद देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, सब्जियाँ भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है एंड साथ ही बहुत ही डिलीशियस बन करके आई है। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।